नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का राष्ट्रधर्म में। तो यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत है और किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता विफल होने के बाद किसान अनिश्चितकाल के लिए मिनी सचिवालय के घेराव के लिए पहुंच गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार भी चौकन्नी है और पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए है। भाई, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम किसान साथियों समेत लघु सचिवालय करनाल में पहुंच चुके हैं और पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन युवाओं के जोश के आगे पुलिस को छोड़ना पड़ा है। किसान साथियों के साथ सचिवालय पर मैं उपस्थित हूं और लड़ाई जारी रहेगी। ये बातें राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कही हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर 28 अगस्त को करनाल में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मिनी सचिवालय का घेराव करने की धमकी दी थी। किसानों के एकत्र होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने उनकी मांगों पर चर्चा करने और उन्हें सचिवालय की ओर मार्च से रोकने के लिए उनके 11 नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बातचीत शुरू होने के 3 घंटे बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन हमारी मांगों से सहमत नहीं है, अब अपनी योजना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगला कदम महापंचायत में तय किया जाएगा। उग्र रूप मोदी और खट्टर सरकारें 10 महीने से आंदोलनरत शांतिप्रिय गांधीवादी धरती पुत्र किसानों को जानबूझकर भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी और खट्टर सरकारें पिछले 10 महीनों से लगातार जानबूझकर गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे किसान भाइयों को भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। और ये साजिश केवल किसानों तक सीमित नहीं, ये जवान और किसान को भी लड़वाने और भिड़वाने की साजिश है, क्योंकि वो जवान तो किसान का बेटा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला साफ तौर पर कह रहे थे कि ये एक साजिश है। वहीं किसान आंदोलन जो है वो भी एक तरीके से उसमें ऊर्जा भर रही है और आज किसान की महापंचायत थी वो उसने अब करनाल में लघु सचिवालय का घेराव कर लिया है। तमाम लोग जो है, हजारों किसान वहां पर पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि सभी जितने भी उस लघु सचिवालय के द्वार हैं, सभी द्वारों पर, सभी गेट्स पर अब किसान आंदोलन के जो सदस्य हैं उन लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अब आगे इसमें कोई अपडेट आता है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर वाटर कैनन की सहायता से प्रशासन ने तितर बितर करने की कोशिश जरूर की, प्रशासन लगातार उनके साथ जद्दोजहद में जुटा रहा, लेकिन आखिरकार किसान अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और लघु सचिवालय करनाल को उन्होंने घेर लिया है। वहां पर अब उन्होंने डेरा डाल दिया है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब महापंचायत में आगामी क्या रणनीति होगी, इसका फैसला यहीं पर होगा। अनिश्चितकालीन के लिए घेराव की बात कही जा रही है। चढ़ूनी की तरफ से भी यही कहा गया है कि अब यहीं पर हम तय करेंगे कि आगे किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। करनाल में लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हुई थी, उसके बाद उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने समेत सरकारी नौकरी और तमाम ऐसी बातों को लेकर किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं और सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं जिनके आदेश पर वहां लाठीचार्ज हुआ था। तो उसी को लेकर ये महापंचायत हुई थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने इनके किसान नेताओं के साथ वार्ता करने की भी कोशिश की थी, आम सहमति बनाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन जिस तरीके से तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता चंद्र प्रकाश जी जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब लघु सचिवालय में किसान पहुंच चुके हैं और वहां पर डेरा डाल दिया है, अभी करंट सिनारियो क्या है, ग्राउंड जीरो पर मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि किसान लघु सचिवालय करनाल के मुख्य द्वार पर बैठे हैं और करीब 5 से 6 हजार किसान है जो बैठे हुए हैं और साफ कहा है राकेश टिकैत ने कि वो लघु सचिवालय के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर सरकारी दस्तावेज होते हैं
इसलिए हम जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक बाहर बैठेंगे। इसी बीच एसपी करनाल और डीसी करनाल से किसानों की बातचीत भी चल रही है और संभावना यह है, जैसे हमें सूत्र बता रहे हैं कि करीब 9 बजे तक जो संभावना की जा रही है 9 बजे तक किसान मीडिया से बातचीत करेंगे और एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर धरने छूट जाएंगे। लेकिन अभी संभावना है, सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि किसान नेता सिर्फ किसान मोर्चा के सभी नेता करनाल लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉल थी गुलाम सिंह चढ़ूनी की पहले, फिर इसको सिर्फ किसान मोर्चा ने लिया और सिर्फ किसान मोर्चा हर हालत में लघु सचिवालय पहुंचना चाहता था, पहुंच गया और पहुंचने के बाद उनकी कॉल सफल रही, जिससे एक मोरल बढ़ता है, किसान जो उनके वर्कर्स हैं उनका मोरल बढ़ता है, साथ साथ नेताओं की क्रेडिबिलिटी और टीआरपीपी से निश्चित पहुंचाई बढ़ती है। प्रशासन का क्या रुख और रवैया अभी सामने आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ट्वीट करके राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि आगे की लड़ाई अब यहीं से लड़ी जाएगी और चढ़ूनी भी कह रहे हैं कि आगे की क्या हमारी रणनीति होगी ये हम यहीं तय करेंगे, प्रशासन का क्या रवैया है? देखिए प्रशासन का रवैया निश्चित रूप से प्रशासन का जो रवैया है फिलहाल संक्षिप्त मोड में प्रशासन, क्योंकि पहले से सब तय था, जब मीटिंग हुई मीटिंग सब असफल होने के बाद इतनी बात तय हो गई थी कि किसान नेता गिरफ्तारी देंगे लघु सचिवालय नहीं आएंगे, किसान नेता बस्ती में बैठ गए हैं नमस्ते चौक पर, लेकिन इसी बीच कुछ और जोशीले किसानों ने उन बस्ती की हवा निकाल दी, उसके बाद रखे शिकायत और बड़े नेता बसों से उतर कर फिर दोबारा प्रदर्शन में जुड़ गए और वो बैरिकेड तोड़ते हुए करनाल के लघु सचिवालय पहुंच गए। साफ था सब कुछ की प्रशासनिक तालमेल था, हालांकि जिद से था किसान संगठन भी और प्रशासन भी, लेकिन इसमें तय था कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा रहा था ताकि किसान भी अपनी साख बचा सके और प्रशासनिक स्तर पर भी ऐसी अनहोनी ना हो जिसकी जवाबदेही सरकार को उठानी देनी पड़े। कुल मिट्टी मुद्दे को लेकर जब इकट्ठे हुए यहाँ आने के बाद फिर बातचीत हो रही है और बातचीत में निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा रहा है कि समझिए कि 9 बजे के करीब 9 बजे तक बातचीत का हल निकल जाएगा और हफ्ते का अल्टीमेटम देकर इधर साफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल संभावना रखी जा रही है। चंद्रप्रकाश जी, हरियाणा सरकार में गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से भी कहा गया कि प्रदर्शन करने कहा सभी को है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके के साथ, जहां पर जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है और प्रशासन जो है वो लगातार शांति व्यवस्था मेंटेन करने में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आग्रह कर रहा है, क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन की जो अपील है, प्रशासन की जो मेहनत है, ये अभी जिस जोश में किसान दिख रहे हैं ये मानेंगे? किसान जो लीडर है, किसानों का नेता है, वो काफी समझदार है, जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर लघु सचिवालय के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो इसी तरह समझदारी भरा फैसला था, अन्यथा भीड़ को कहीं तरह भी मोड़ दिया जा सकता है, लेकिन जैसा राकेश टिकैत ने कहा तो स्पष्ट संदेश दिया कि आप अंदर नहीं, यहाँ तक नहीं होना है, इससे अच्छा संकेत जा रहा है, क्योंकि नेता अगर साथ है, नेता जब अपनी जो उनके साथ कार्यकर्ता है उनको कमांड में रखते हैं, लेकिन जब नेता की नहीं चलती तो मुश्किल होती है, यहाँ नेताओं की किसान मान रहे हैं और उनके दिशा निर्देश में गाइडलाइन ही काम कर रहे हैं। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, एक चीज और इसमें जानना चाहेंगे, अब आगामी रणनीति जिसकी बात की जा रही है कि यहाँ से आगे की रणनीति तय होगी, अभी कुछ बताया गया है मीडिया कर्मियों को कि आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली है किसान नेताओं की? देखिए मैं बताना चाहूंगा किसानों की रणनीति आगे जो रहने वाली साफ दिखाई दे रही है वो यह है कि किसान किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है और किसानों की जो मांग है कि सस्पेंड किया जाए जांच करे, तो स्पष्ट है कि प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों ने बीच का रास्ता दिया है, कम से कम उसको सस्पेंड करके जांच तो करवा ही सकते हैं और निश्चित रूप से जांच के आश्वासन के बाद किसान घर में जुट जाएंगे, वो किसान जैसा चाहते हैं, क्योंकि कल दोबारा उन्होंने किसानों को रक्षा करना है, लाठियों के आगे पुलिस के संयोजनों के आगे आना इतना आसानी से नहीं होता, लेकिन किसानों का मनोबल बढ़ता है जब उनकी मांगें पूरी होती है, तो अगली बार किसान और ज्यादा ताकत और जोश से जाते हैं, यही किसान संगठन चाहते हैं कि चाहे उस अधिकारी को सस्पेंड ना किया जाए लेकिन कम से कम उसकी जांच तो शुरू की जाए, और शायद यही आश्वासन प्रशासन के रूप से मिलेगा तभी के जाएंगे। चलिए ठीक है, इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सतीश नंबरदार जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी लाइव जुड़ गए, बहुत स्वागत है आप दोनों का सतीश और खेमचंद जी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सतीश जी, इस तरीके से लघु सचिवालय को आपने एक तरीके से बंधक बना लिया, पहुंच गए आप वहां पर प्रशासन की तमाम मिन्नतों को धता बताते हुए, क्या ऐसे किसानों का कल्याण हो जाएगा? पांडे जी, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी सरकार लोगों के लिए, लेकिन आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार भी
और हरियाणा में बैठी खट्टर सरकार भी ये अपने जो तालिबान फरमान जारी करती है इसके खिलाफ आज पूरे हरियाणा का क्या पूरे देश का किसान, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खट्टर सरकार का भी और धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार का भी, इन्होंने किसान को एक माला में परोने का काम किया। आज 2:30 बजे के करीब आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे इसी मसले पर, आपके बड़े नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है आइए आपको पहले सुनाते हैं फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एबीसी थोड़ा सा एबीसी सरकार की तरफ से क्या कहा गया, 3 घंटे हो गए बातचीत, 3 घंटे चले क्या कहा गया? तो रुक तो जा, हमारा फ्रेम क्यों खराब कर रहे हो? और आपकी तरफ से क्या एबीसी थोड़ा सा बहुत सारे बैरिकेड लगाए थे उसके बावजूद कामयाब रहे, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या किसानों को पर वो सख्ती नहीं दिखाई दी, सरकार कुछ नरम पड़ी है? उसके अलावा कुछ नहीं तो लग रहा है कि सरकार पे दबाव कामयाब हो रहा है? अब पता नहीं दबाव है कि ये सब होता है जानकारी। तो क्या उम्मीद है, कितना कितने घंटे यहाँ बैठने पर आपको लगता है कि और हम नौ नतीजे तो नौ 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 को हो गए तो यहाँ भी एक मोर्चा यहाँ भी मोर्चा ये किराए पे जाने एक मोर्चा यहाँ पे जब तक सरकार नहीं मांगेगी आप अडिग हैं। यही रहेंगे गेट पे, अभी टेंट वेंट मंगवा रहे अपना बैठते हैं, कब्जा होगा थोड़ा सा, अगर तालाब में भी एक डड़ा मारते हैं तो वो भी अपनी जगह बनाते हैं, हलचल होती है पूरी हो जाएगी रात रात में हलचल, अपनी जगह किसान बना रहे हैं। तो क्या अधिकारी से करनाल के सचिवालय में नहीं घुस पाएंगे? इस गेट से तो नहीं जाएंगे, कोई और गेट फोड़ के कोई जाना चाहता हो तो बेच रहे अधिकारी से। सचिवालय के बाहर का घेरा आपका कॉल था, अंदर का भी कॉल है कोई? तो तीनों ही मेहमान हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से महासचिव सतीश नंबरदार और बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा और हमारे संवाददाता, तीनों ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश नंबरदार जी, सुना आपने, उन्होंने कहा कि 9-10 महीने से हम दिल्ली में बैठे हैं, एक मोर्चा यहां पर भी खोल देते हैं, क्या इस तरीके से अब चलेगा? देखो माननीय टिकैत जी ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जहां तक हमने पहुंचना था उसके हद तक रहते हुए गांधीवादी नीतियों के तहत हमने वहां तक पहुंच गए, क्योंकि अंदर का प्रोटोकॉल हमें जाने की इजाजत नहीं देता और किसान पूरा किसान समाज अपने आंदोलन को पूरे प्रोटोकॉल के तहत चलाने की क्षमता रखता है और चला रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में किसान आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहां भी एक मोर्चा लगाने में किसान को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इस बेरुपिया सरकार ने और ये तालिबानी फरमान जारी करके किस तरह किसानों पर अत्याचार करने का और सर फोड़ने का एसडीएम ने और आदेश दिया और उसी एसडीएम की इस सरकार ने तरक्की करके उसको प्रमोशन देकर आगे भेजने का काम किया, तो आज भी 2:30 बजे के करीब एक एसडीएम लेवल का अधिकारी मंडी में 4 सफाइयों के लेके इस तरह का दौरा कर रात जैसे किसान भड़क उठे और उस पर हमला करने का काम करे, लेकिन किसान अपनी गांधीवादी नीतियों के तहत चलते हुए बिल्कुल एक साथ नीति के तहत काम बिल्कुल गांधीवादी की तरह ये पैसा घूमता रहे, किसी ने भी इसकी तरफ तुमका भी नहीं उठाना है, ये कितने दौरे करे क्योंकि ये खुद आज एक इस तरह आया तो इस पर हमला बोले और किसानों पर अत्याचार होने का काम हो और इनके सारा दोष डालने का काम हो, और आज देख रहे हैं पूरा देश किस तरह तालिबानी सरकार से त्राहिमाम कर रहा है। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास, हालांकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और वहां पर भीड़ तंत्र के सहारे, क्या ये एक तरीके से बंधक बनाने की बात है? इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मूलचंद शर्मा जी, माफ कीजिएगा खेमचंद शर्मा जी, ये जो बात अभी तक चल रही है, पूरा बताया जा रहा है कि उसी लाठीचार्ज में उस किसान की मौत हुई, गंभीर चोटें आई थी, कम से कम एक मुआवजा की तो मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है देने में सरकार को?
देखिए मुआवजा बातचीत से आएगा, जितना मुआवजा चाहिए बातचीत करनी चाहिए। अभी हमारे किसान नेता कह रहे थे कि गांधीवादी तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से ये लोग चित्रा त्रिपाठी जी को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के एक महिला पत्रकार को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो बड़ा गांधी आधुनिक गांधीवादी सोच है। वैसे ही पंजाब में जो एमएलए चुने हुए प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, उनके कुर्ते फाड़ दिए जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, ये गांधीवादी सोच है। और मुख्यमंत्री के काफिले पे पत्थरबाजी की जाती है, ये गांधीवादी सोच है। 26 जनवरी में जो दिल्ली में हुआ वो सबने देखा, वो कैसी गांधीवादी सोच थी। और आज सचिवालय पे कब्जा किया जाता है और किस तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही, हमने सचिवालय के एक गेट पे कब्जा कर लिया, मतलब जिस तरीके से तालिबान रिपोर्ट करता था कि आज हमने अफगानिस्तान के इस शहर पे कब्जा कर लिया, आज दूसरे शहर पे कब्जा कर लिया, तीसरे शहर पे कब्जा कर लिया। अरे भाई ये लोकतंत्र है, आप कब्जा शब्द कैसे यूज कर रहे हो? आप आंदोलन कर रहे हो, आपका अधिकार है, विरोध कर रहे हो, आपका अधिकार है, लेकिन विरोध और आंदोलन करने का कुछ तरीका होता है। तो कोर्ट ने बार बार बोला है जी, आखिर फिर ये जो अभी तक पूरी कवायद चल रही है, ये जो पूरा जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कहां जाकर आखिर थमेंगी? ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी फिल्म का सीन हम देख रहे हो, और मैं माफ कीजिएगा, मैं ये वही शब्द हमारा मतलब नहीं है, लेकिन लगभग सिविल वॉर जैसी स्थिति लग रही है। देखिए राजनीति हो रही है और राजनीति साधने के लिए अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे नाटक नौटंकी की जा रही है। और जो आप समझोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राकेश टिकैत जी कहते थे होली चल जाएगी, मेरे को हाथ लगाया तो लोग मर जाएंगे, और सारी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, कहीं से भी आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कह सकते। विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है। सरकार ने जब आपको बातचीत के लिए इन्वाइट किया तो आप बातचीत करने की बजाय आप सचिवालय पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो और कब्जा करने में लगे हो। क्या कह रहे हो कि अभी बातचीत के लिए समय नहीं है, पहले कब्जा करना है, पहले नया फ्रंट खोलना है। इससे पहले बातचीत तो हुई, तीन दौर की बातचीत हुई, 11 सदस्य गए थे बातचीत करने किसान मोर्चा के, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई, ठीक वैसे ही जैसे 11 दौर की बातचीत आपकी केंद्र सरकार से हुई। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहो वही, बातचीत का मतलब दोनों तरफ से आम सहमति बनाना, नहीं हुई तो नेक्स्ट राउंड की बातचीत करना। ये तो ये हो गया ना, भीड़ तंत्र हो गया कि आप भीड़ को लेके आप कब्जा करोगे, आप लोगों को वहां पे परेशान करोगे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। और लघु सचिवालय का मतलब वो लोगों की सेवा के लिए है, लोगों के लिए है, आप उसको बंद कर दोगे, आप उस पर कब्जा कर लोगे तो लोगों के काम नहीं होंगे, जो वहां पे जनता है उनके काम नहीं होंगे, जनता काम नहीं होंगे तो कौन परेशान होगा, आमजन परेशान होंगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब पूरा देश जान चुका है कि इनकी सोच किस तरीके की सोच है, और किसी भी तरीके से ये गांधी जी का नाम लेके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से करनाल में किसान महापंचायत के बाद लघु सचिवालय का घेराव कर लिया गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सतीश नंबरदार जी, जिस तरीके से अब ये एक एक करके, आपके जैसे राकेश टिकैत जी भी बता रहे थे कि अब यहीं से आगे लड़ाई होगी, ये लड़ाई किसके खिलाफ है, और ये जो तरीका आपने अपनाया हुआ है ये कितना लोकतांत्रिक है? आप तमाम दफ्तरों को घेर के ऐसे बैठ जाना, इस तरीके से क्या न्याय हो पाएगा? पांडे साहब, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, और गेट तक जाने का अधिकार हमारे को संविधान ने दिया है। गेट से आके जो भी इनके कागजी कार्रवाई, जो सरकारी संविधान के अनुसार कागज रखे हुए हैं, उनमें कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो, इसीलिए हमने अपने गेट तक का जाने का अपना वो बनाया था मन, और वहां पर लोगों की सहायता से पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर वहां तक पहुंचने में कामयाब रहा। और इस ये लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार किस तरह आज कुछ चंद उद्योगपतियों के इशारे पे किसानों पे अत्याचार करने का काम कर रही है, और किस तरह मैं माननीय पांडे साहब से शर्मा जी से भी एक बात पूछना चाहूंगा, किस तरह ये लोकतंत्र की दवाई देने का काम कर रहे हैं, अधिकारी किस तरह लठ मारने का और जान से मारने का आदेश देने का काम कर रहा है। और ऐसा तो देश के आजाद होने के बाद आज तक पुलिस ने भी फायरिंग की, दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने भी पैरों में गोली मारने की वो बोली है, उन्होंने भी आज तक सर फोड़ने की बात नहीं कही, और आपके प्रशासन में तो किस तरह लोगों पर अत्याचार होने का काम हो रहा है जी। लेकिन सतीश नंबरदार जी, किसानों की ऐसी तस्वीरें भारत पहली बार देख रहा है,
क्या आपको नहीं लगता कि आपके आंदोलन को जिस तरीके से जन समर्थन मिला हुआ था, अगर आप एक एक ऑफिस घेर कर बैठेंगे, आपने अगर किसी नेता का घेराव कर लिया होता तो समझ में भी आता। आप पब्लिक का जहां पर काम होना है लघु सचिवालय में, वहां को उस स्थान को घेर कर बैठेंगे तो इसकी जो सबसे ज्यादा समस्या होगी वो आम जनता को होगी। आपको जन समर्थन जो मिल रहा है उस पर भी खतरा आएगा। किसान अपने लिए आंदोलन नहीं लड़ रहा, किसान इस जनता के लिए आंदोलन रहा है, मध्य वर्ग के गरीब जनता के लिए आंदोलन लड़ रहा है, उसका खुद समर्थन है। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं, लेकिन इस प्रशासन ने किस तरह किसानों पर अत्याचार करने की और आज किस तरह तालिबानी फरमान जारी करके पूरे क्षेत्र का नेट बंद करने का, टेलीफोन बंद करने का काम किए, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? अब जो आंदोलन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस तरह रहा कोई देश में, इस देश में अच्छे आदमियों की अल्पसंख्यक होने का काम हो जाएगा, देश प्रेमी अलग संपर्क हो जाएंगे। इस तरह की सरकार इस किसानों पे और गरीब जनता पे अत्याचार ढाने का काम कर रही है। जी ठीक है खेमचंद जी, आपके पास आऊं उससे पहले चंद्रप्रकाश जी, अगर वहां से कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, अभी फिलहाल के क्या हालात हैं, क्या किसान जो अभी वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने लघु सचिवालय के बाहर ही डेरा जमाया हुआ है, या फिर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर लघु सचिवालय के अंदर भी कुछ किसान चले गए थे, क्या वो लोग बाहर आ गए हैं या अंदर से भी घेराव करना शुरू कर दिया है? चंद्रप्रकाश जी। जी बिल्कुल, किसान बाहर हैं, अंदर कोई किसान नहीं है, और लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के बाहर राकेश के कैद बैठे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, राजेवाल है, योगेंद्र यादव, सभी नेता और किसान मुख्य द्वार के बाहर बैठे हैं। जो कुछ लोग अंदर गए थे वो भी बाहर आ गए हैं, और राकेश के कैद ने साफ कहा है कि लघु सचिवालय में सरकारी कामकाज होता है, वहाँ फाइलें पड़ी हैं, जनता की फाइलें से अंदर नहीं घुसना, बाहर बैठकर धरना देंगे। धरना कब तक देंगे इसके बारे में फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि धरना रात 9 बजे 10 बजे तक खत्म किया जा सकता है। फिलहाल वो किसान धरने पर बैठे हैं और प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच में, वो बात कर रहे हैं। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, कोई अहम अपडेट आती है तो आप बताइएगा, बीच में इंटरप्ट कीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, ये तमाम आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तालिबानी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आप ही बेहतर तरीके से क्या जवाब देंगे? देखिए तालिबानी ये भी कौन दिखा रहा है कि हम कब्जा कर रहे हैं, हम गेट तक पहुंचने तक कामयाब हुए, हम लोग वहां पे पहुंचने में कामयाब हुए। अब ये कहते हैं संविधान की बात, संविधान कौन कहता है? संविधान में कहां पे लिखा है कि आप हाईवे को ऑक्यूपाई कर लो, आप सरकारी बिल्डिंग का घेराव कर लो, आप लोगों को परेशान करो, आप ऐसे मार्गों पे बैठ जाओ जो मार्ग देश की लाइफलाइन है। संविधान कहाँ कहता है कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ो? संविधान कहाँ कहता है कि आप सरकारी काफले पे पत्थर फेंको? संविधान कहाँ कहता है कि बहन बेटियों को जो बंगाल से आपने बुलाया वहां पे उनके साथ दुराचार होता है उसको आप पुलिस को रिपोर्ट ना करो? संविधान कहाँ कहता है कि हरियाणा के किसान को वहां पे मार दिया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग और उसकी इन्फॉर्मेशन तक जो बड़े बड़े नेता योगेंद्र यादव जी जिनको पता था वो इन्फॉर्मेशन तक पुलिस को नहीं दी जाती? संविधान कहाँ कहता है कि जब पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महिला पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप उनको दौड़ा दौड़ा के भगाओ, आप उनके साथ बदतमीजी करो, आप उनके साथ हुड़दंगबाजी करो? कौन सी गांधीवादी सोच है ये तो तालिबानी सोच है, आप खुद तालिबानी सोच। खेमचंद जी, लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये भी संविधान में मूलभूत अवधारणा है ना, लेकिन अब जनता के द्वारा जनता के लिए क्या कुछ हो रहा है आप ही देख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे कि जवान और किसान को लड़ाने की बात हो रही है, ये वो देश था जहां पर जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता था, आज दोनों आमने सामने खड़े हैं, जबकि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। जब आंदोलन का है, किसान के लिए सरकार क्या करी आपको बताऊं, 1.5 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान के माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसानों को दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट। डीएपी का जैसे प्राइस पड़ता है उसकी सब्सिडी बढ़ाई जाती है ताकि हमारे प्रिय किसानों को महंगा डीएपी ना मिले। सबसे ज्यादा फसल का एमएसपी पे जो खरीदारी है वो मोदी जी की सरकार में हो रही है, हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है, पिछली साल से इस साल नया रिकॉर्ड बना है। सबसे ज्यादा जो खरीदारी हुई है वो मोदी जी ने करी है, और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किसानों को दी है पीएम किसान कार्ड के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, कृषि ऋण के माध्यम से, वो मोदी जी के समय में दी जा रही है। हर खेत में पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी ताकि किसान को डीजल पे निर्भर ना रहना पड़े, सौर ऊर्जा के माध्यम से वो सिंचाई कर सके। खेमचंद जी, इतनी सारी योजनाएं बता रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई है, और इसी कल्याण की कड़ी में वो 3 कानून ये बता रहे हैं, फिर भी दिक्कत कहाँ पर आ रही है?
आप दोनों की तरफ से अगर अड़ियल रवैया अपनाया जाता रहेगा तो आखिरकार इसको जाकर ये स्थिति कहां ठहर पाएगी, इसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं कि किसान महापंचायत जो कि करनाल में शुरू हुई थी उसके बाद अब लघु सचिवालय को किसानों ने घेर लिया है। हालांकि अभी अंदर प्रवेश नहीं किया है लेकिन बाहर से घेर लिया है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान और हमारे एक संवाददाता जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हैं, सतीश नंबरदार जी भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, और हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश जी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश नंबरदार जी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। माननीय हेमचंद जी से मैं एक बार पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये तो गिनवा दिया 1.5 लाख रुपए हमने किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया, लेकिन खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से 2,40,000 लोग आज भी योजना की बात जो रहे हैं। और रही बात दूसरी, 32 रुपए का पेट्रोल डीजल आप 100 रुपए में बेचने का काम कर रहे, जो अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की रकम आपने वहां पर लगाई जो इस देश के गरीब किसानों की थी, और टैक्स चूस के जो आपने 30 रुपए 32 रुपए देने का काम करते हैं डीजल पेट्रोल को, और वहां हिंदुस्तान की जनता को किसानों को खास करके आपने 100 रुपए में बेचने का काम किया। आप तो आज उद्योगपतियों का चुंगल में तरह फंसे हुए हैं, और आप खुद अपनी मर्जी से तो एक फैसला भी नहीं ले सकते। आपने आज पूरे देश के लोकतंत्र का हनन करने का काम किया है जी। सतीश नंबरदार जी, जब आप अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और इंटरनेशनल मुद्दा जब छूते हैं उसकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप वाकई राजनीतिक एजेंडा के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का तालिबान की स्थितियों से क्या लेना देना। 20% टैक्स लेने का काम किया, ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं किसान नेता से आदर के साथ बोलना चाहूंगा, $3 ट्रिलियन नहीं है, $3 ट्रिलियन तो हमारा जीडीपी भी नहीं है। आप आंकड़े करेक्ट करिए, विदेशों में हम हमेशा से, सुन लीजिए भैया, ठीक है, यही तालिबानी सोच है, जब कोई बोलता है आपको करेक्ट करता है आप उसको बोलने नहीं देते, आप गलत शब्द रख रहे हो, बहुत बड़ा 3 ट्रिलियन इतना होता है कि वो शायद अमेरिका ने भी खर्चा ना किया हो, हमारी तो जीडीपी भी नहीं है, और हम अपना सारा कुछ बेच के अफगानिस्तान में नहीं लगा रहे। भारत हमेशा से, अरे सुन लो पहले ठीक है सतीश जी, आते हैं, अभी तो $5 ट्रिलियन की बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उसके बाद से तो डाउन हो गया कोरोना काल के बाद। घर से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान किसान कह के कोई किसान नहीं बन जाता। आप तालिबानी सोच रखते हो, आप टीवी पे भी बोलने नहीं देते, गलत आप आंकड़े बोल रहे हो। अरे भाई, हमेशा से हमारी सरकार विदेशों में जहाँ हमारे मित्र देश हैं वहां पे सहायता करती रही है। रही बात आज मोदी जी की वजह से 70 करोड़ वैक्सीन भारत में लग चुकी है। आपको पता है पिछले 13 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन लगी है, आज 112 से 13 करोड़ वैक्सीन लगी है। मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग आंदोलन करने का, आप लोग सरकारी जमीन को कब्जाने का काम करो, आप लोग वहां पे कब्जा करने का काम करो, आप सरकारी काम को ठप करने का काम करो, आप हाईवे को रोकने का काम करो, आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम करो, आप बातचीत करना ही नहीं चाहते। अरे योगेंद्र यादव कहाँ का किसान है? योगेंद्र यादव को सबको ही जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलनों का ठेकेदार है। कहीं भी आंदोलन हो, अलग अलग ग्रुप लेके योगेंद्र यादव जी पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने अपना नेता बना रखा है, आप कैसे उनको किसान बोलोगे, कैसे किसानों का हितैषी बोलोगे? इसीलिए आज किसानों ने आपके आंदोलन से दूरी बना ली है, और आप लोग फ्रस्ट्रेशन में वो काम कर रहे हो जो किसान कभी करना नहीं चाहता, और आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी जिद्दी की वजह से अपना भी नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, जनता का नुकसान कर रहे हो। लगातार जनता परेशान है, आप दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हो, आसपास के सभी गांव आपसे दुखी है, आपसे परेशान है। वैसे ही आप जो मिनी सचिवालय है उस पर कब्जा करके वहां का जो क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय जो कार्य है उसको ठप करने की कोशिश कर रहे हो। आपसे अनुरोध है, ये तालिबानी सोच छोड़ो,
और जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे विरोध प्रदर्शन करो। आप नाम गांधी जी का लोगे, काम तालिबान करोगे तो वो तो लोगों को दिखेगा। आप नाम बार बार गांधी जी का लेते हो और एक्शन में तालिबानी सोच रखते हो तो ये चीज चलेगी नहीं। आप बहन बेटी जो पत्रकार हैं आप उनके साथ वसूली करते हो क्योंकि वो सच्चाई बताने वाली थी, वो सच्चाई दिखाने वाली थी। आपकी सच्चाई बाहर ना आ जाए इसलिए आपने उनको हुड़दंग बना के, हुड़दंग मचा के आपने उनको बाहर कर दिया। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, अभी हमने राकेश टिकैत की बाइक चला के सुनाई, वो ये कह रहे थे कि हम वहां पर एक मोर्चा और खोल सकते हैं, वहां पर तंबू लग जाएगा, अब ये सब बातें कर रहे थे। अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है चंद्रप्रकाश जी? सतीश जी आते हैं आपके पास, अपनी बारी पर बोलिएगा चंद्रप्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? इस तरह आप कह रहे हैं कि मोर्चा खोलने की बात की जा रही है, निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन मोर्चा खुलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली कमजोर होगी और किसी भी कीमत पर दिल्ली को कमजोर नहीं करना चाहते, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और इस समय जो दिल्ली सिंह पर सिंध बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर बैठे उससे 90% हरियाणा के किसान है, अगर वो किसान चना लाते हैं तो दिल्ली का बॉर्डर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसमें बयानबाजी हो सकती है लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए संभव ही नहीं है, क्योंकि किस पंजाब का वोटर, पंजाब का किसान वहां चुनाव में बिजी हो रहा है और धीरे धीरे वहां जाना शुरू हो गया है। अब सिंधु बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर अगर रहा गया तो हरियाणा का किसान और अगले 15 दिनों बाद सिर्फ हरियाणा या राजस्थान दिखाई देगा। ऐसे में अगर पंजाब जाता है और हरियाणा अलग मोर्चा खोलता है करनाल में तो इसी रूप से सिर्फ मोर्चा को बहुत बड़ी कमी होगी, बहुत बड़ी एक चोट लगेगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर खोलने की बात कोर्ट द्वारा कही जा चुकी है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जम होगी बॉर्डर खोल दिया जाएगा। ऐसे में गुलाम सिंह चढ़ूनी जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मोर्चा की जो राजनीति है, गुलाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि पंजाब के किसानों को दिल्ली पहुंचाने की अगुवाई मैंने की, जो धर्म युद्ध के नाम पर किसानों ने लड़ाई लड़ी उसके सारथी बने गुलाम चढ़ूनी खुद। अंबाला में उन्होंने बैरिकेड तोड़े, करनाल में उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पानीपत में बैरिकेड उन्होंने तोड़े, पीछे थे सभी लोग, सबसे आगे गुलाम चढ़ूनी थे। ऐसे में सिर्फ मोर्चा अगर उनका क्रेडिट लेता है, सिर्फ मोर्चा उनको कम आंकता है, निश्चित रूप से गलती है और ऐसी गलती को एहसास करवाने के लिए एक नया मोर्चा खोला गया। उस मोर्चे के लिहाज से अगर करनाल में सिर्फ मोर्चा अपना एक अलग से तंबू गाड़ता है तो निश्चित रूप से सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा और दिल्ली पर असर पड़ने का मतलब है पंजाब की राजनीति में जो आरोप भाजपा लगाती है कि किसानों को विपक्षी दल फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, वो सच साबित होगा कि उन विपक्षी दलों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर दिल्ली का बॉर्डर कमजोर होता है तो निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई काफी धीमी पड़ने वाली है। चंद्रप्रकाश जी, वहां पर डीएम एसपी और वरिष्ठ जो अधिकारी पहुंचे हैं, क्या किसानों से बात करने का कोई प्रयास हो रहा है? देखिए किसानों से बातचीत चल रही है, अपने स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो डेलीगेट है दूर बातचीत कर रहे हैं और संभावना है कि हल निकल आएगा, लेकिन फिलहाल किसान बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में आधे या पौने घंटे के अंदर आपको अपडेट मिलेगा, लेकिन संभावना ये है कि शायद रात को उठे एक हफ्ते का अल्टीमेटम देने के बाद। जैसे जैसे समय बीत रहा है चंद्रप्रकाश जी, किसानों की संख्या कम हो रही है या फिर किसान अभी भी डटे हुए हैं उतनी संख्या के साथ? देखिए किसानों की संख्या फिलहाल कम नहीं हो रही है क्योंकि साथ ही भंडारे हैं और भंडारा सेवा मिल रही है, वहां पर जोश है किसानों में, ऊपर से जो सोच कर वो आए थे, जो उनका मिशन था वो पूरा हुआ, ऐसे में अपने जोश को बनाए हुए हैं फिलहाल किसान। लेकिन जैसे जैसे रात होगी और अगर किसान वहीं डटने का ऐलान करते हैं और नेता कब तक वहां रहते हैं उसके बाद पता लगेगा भीड़ कितनी दिखती है, लेकिन फिलहाल जो भीड़ डीटी रोड पर थी अनाज मंडी में तो उससे आधी भीड़ अब भी लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर बैठी हुई है नेताओं के साथ। ठीक है सतीश नंबरदार जी, ये ऐसे फिलहाल कब तक चलेगा? अभी ये बताया जा रहा है कि मान मनोबल की कोशिश हो रही है और बताया जा रहा है कि हल निकल आएगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो पंजाब की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब आप भी बात करते हैं अफगानिस्तान से लेकर तमाम जगहों की, तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि इस आंदोलन के पीछे आपका भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। सतीश जी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जवाब दीजिए। देखो संयुक्त मोर्चा खड़ा और संयुक्त मोर्चा पूरी तरह अपने इलाकों में और इस देश की जनता को बताने के लिए जो आज इस जनता के बीच में और इस दुर्गतियों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर और जो अपनी छाती को लड़ाई हुए है, कभी भी इस
कुछ चंद बच्चे थे, कभी भी राज्य पूरे होने नहीं देगा, कितना भी बलिदान देना पड़े। आज मेरे 700 किसानों ने इस गरीब जनता के लिए अपनी शहादत देने का काम किया है। जी चंद्रप्रकाश जी, आपने एक बात कही कि इस पूरे संगठन की, इस पूरे मोर्चे की अगुवाई जो है वो गुरनाम सिंह चरूनी कर रहे हैं। राकेश टिकैत का वहां पर पहुंचना, और आप बताते हो कि अगर ये पंजाब को लेकर उन्होंने अपनी राजनीतिक कोशिशों को, महत्वाकांक्षाओं को रंग देना शुरू कर दिया तो फिर दिल्ली वाला जो मोर्चा है वो कमजोर हो जाएगा। क्या आपस में ये जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है जिसमें तमाम संगठन, इनके बीच भी क्लैश की कोई स्थिति है? चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चंद्रप्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही है, आवाज आ गई है, बोलिए। ये जो गुरनाम सिंह चरूनी की तरफ से ये कहा जा रहा है, आपने बताया कि तमाम वो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करते हुए वही आए और यहाँ पर उन्होंने जो घेराव किया है, आप बता रहे हैं कि वो पंजाब की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर उन्होंने अपनी जो राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको अमली जामा पहनाना शुरू किया तो जो दिल्ली का मोर्चा है वो कमजोर हो जाएगा। राकेश टिकैत का यहाँ पर पहुंचना, और आप बता रहे हो कि अगुवाई उन्होंने की है, क्या इन दोनों के बीच भी कुछ क्लैश दिख रहा है? देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरनाम सिंह चरूनी की कॉल थी आज का ये प्रदर्शन, लघु सचिवालय का घेराव, बाद में संयुक्त मोर्चा से जुड़ा। पहले गुरनाम सिंह चरूनी ने अपने स्तर पर ऐलान किया था करनाल में, उसके बाद संयुक्त मोर्चा से जुड़ा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जुड़ना मजबूरी था। हालांकि गुरनाम सिंह संयुक्त मोर्चा कई बार सस्पेंड कर चुका है, मोर्चे से कई बार निकल चुका है, सस्पेंड कर चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप पे ताकत है, अगर आप पे नंबर्स हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लोकतंत्र में कीमत बढ़ती ही बढ़ती है। वही आज दिखाया गुरनाम सिंह चरूनी ने, जब उनके साथ इतने फॉलोअर्स थे, हजारों लोग इकट्ठे हुए, तो निश्चित रूप से एक बार दोबारा संयुक्त मोर्चा जुड़ना पड़ा। अगर संयुक्त मोर्चा ना भी आता तो भी फॉलोअर्स की कमी नहीं थी, क्योंकि गुरनाम सिंह चरूनी के बुलावे पर, गुरनाम सिंह चरूनी के आह्वान पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और अधिकांश लोग इसमें हरियाणा के थे और ज्यादा सिख कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि गुरनाम सिंह चरूनी पंजाब में चुनाव लड़ना चाहते हैं और सिख कम्युनिटी में उनकी जो लोकप्रियता है, क्योंकि हरियाणा के सिखों की पंजाब में रिश्तेदारियां हैं, तो ऐसे में राजनीतिक फायदा लेना भी उनका टारगेट है, क्योंकि पंजाब में गुरनाम सिंह चरूनी चुनाव लड़ेंगे, उनके दल चुनाव लड़ेंगे, किसी को संदेह नहीं है, लेकिन उसके लिए एक व्यापक जनाधार चाहिए। उसमें एक नया, आज एक उनकी जो सफलता की माला में नया मोदी परोस दिया गया कि करनाल में हजारों पुलिस कर्मियों के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के बावजूद उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और निश्चित रूप से ऐसे जब काम वो करेंगे तो सरकार झुकेगी, और सरकार झुकने से नेताओं का प्रति, गुरनाम सिंह चरूनी के प्रति जनता का झुकाव भी बढ़ेगा, और वही गुरनाम सिंह चरूनी फिलहाल चाहती है। तो चंद्रप्रकाश जी, इस पूरे आज की जो कवायद है, आज की जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें राजनीतिक एजेंडा ये भी एक दूसरा पहलू है। जी ठीक है, इसी के साथ एक चीज और आप मुझे बताइए कि जब ये पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और जो दिल्ली वाला जो बॉर्डर है वहां पर जो मोर्चा खुला हुआ है वो कमजोर होगा, इससे पहले इनको करीब दस दिनों के लिए या दो हफ्तों के लिए पहले सस्पेंड भी किया जा चुका है संयुक्त किसान मोर्चा से, जब इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो अब ये जो दिल्ली वाला मोर्चा है क्या वो कमजोर पड़ सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर करनाल में नया मोर्चा खुलता है तो दिल्ली वाला मोर्चा कमजोर होगा ही होगा, क्योंकि दिल्ली मोर्चा में अधिकांश हरियाणा के किसान बैठे हैं। इसके अलावा जब पंजाब में चुनाव हो, स्वाभाविक है पंजाब के किसानों की संख्या वहां घटेगी, और जब हरियाणा के किसान बट जाएंगे, कुछ लोग करनाल आ जाएंगे, तो फिर दिल्ली में कौन रहेगा, बड़ा सवाल। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान सिंधु बॉर्डर पर नहीं रह सकते, सिंधु बॉर्डर पर रहेंगे करनाल कुरुक्षेत्र अंबाला पानीपत या पंजाब के किसान, अगर वो नहीं होंगे तो सिंधु बॉर्डर खुलने की संभावनाएं पूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए रोड खोली जाए, लेकिन किसानों की संख्या बल्कि आगे सरकार शायद चुप है, लेकिन जब भीड़ नहीं होगी तो सड़कें खोलना मुश्किल नहीं होगा। और एक बात और साबित हो जाएगी, गुरनाम सिंह चरूनी जो चाहते हैं संयुक्त मोर्चा में उनका कद जितना ज्यादा है उसका उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता, वो चाहते हैं सीरियसली लिया जाए और संयुक्त मोर्चा में वो एक अहम किरदार निभाए, क्योंकि अक्सर राकेश टिकैत के राज्यवाल को ही मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन गुरनाम सिंह चरूनी को नंबर दो पे गिना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हरियाणा से गुरनाम सिंह चरूनी की अगुवाई में पंजाब का किसान दिल्ली एंट्री कर सकता था, उसमें बॉर्डर पहुंच चुका था, तो उसी अपनी ताकत को, उसी अपनी महत्ता को साबित करने के लिए गुरनाम सिंह चरूनी ने गेम प्लान किया। चलिए बहुत शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी इस जमीनी जानकारी के लिए आपका, आप इस पूरे वाक्य पर नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खेमचंद शर्मा जी, आप बता रहे थे कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं,
लेकिन वो तो ये मांग कर रहे हैं कि उनका एक साथी जो पुलिस की लाठी चार्ज में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके जो आश्रित हों या जो लोग हों उसको कुछ मुआवजा राशि दी जाए। लेकिन आप दूसरी बात बता रहे हैं और बातचीत करेंगे प्रशासन के साथ तो प्रशासन जरूर हल निकालेगा। लेकिन आपने देखा है जिस तरीके से जिद पकड़ी हुई है, जिस तरीके से सरकार की बात नहीं मानी, जिस तरीके से भी तंत्र का उपयोग करके अपनी बात मनमानी है, जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाना है, जिस तरीके से तालिबानी सोच रख के सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करना है, सरकारी हाईवे पर कब्जा करना है, और जो हमारी महिला पत्रकार है उनके साथ बदतमीजी करनी है, और जो चुने हुए नेता है उनसे पत्थरबाजी करनी है, उनके कपड़े फाड़ने हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग सोल्यूशन चाहते ही नहीं है। इनको हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढनी है, और प्रॉब्लम ढूंढने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ना कि सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सरकार लगातार वो काम कर रही है जो विश्व स्तर पर कराया जा रहा है, और आपने देखा उसी का परिणाम है, जो पीएम की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 70%, मतलब विश्व के जो बड़े नेता है सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इस समय गरीबों को फ्री में राशन देने का काम किया, पिछले साल 9 महीने दिया, इस साल दिया, और 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जो अनाज है वो जो स्टेट को यूपी को डिस्पर्स हो चुका है। अब मैं गांव गया था, गांव में हर एक व्यक्ति को अनाज मिल रहा है, वो खुद को अनाज की कमी नहीं है तो वो अपने जानवरों के लिए जो दूध देने वाले जानवर है उनको वो अनाज दे रहे हैं। तो मतलब फ्री के अनाज का फायदा पूरे देश के जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं या इवन मिडिल क्लास है, उनको फायदा हो रहा है। वैसे ही वैक्सीन 70 करोड़ सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीन लगाई है, पूरे देश को कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तेजी से हाईवे बन रहे हैं, जैसे ही डीएपी का रेट बढ़ा उसको सब्सिडी दी और किसानों को लाभ पहुंचाया, किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगातार उनको सपोर्ट दी जा रही है, कम से कम ब्याज पे, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको मार्जिन पे जाने की जरूरत नहीं है, हर खेत को पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा फसल की खरीदारी मोदी जी की सरकार में हो रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा अमाउंट में भी और वेट में भी, गेहूं का भी चावल का सबसे ज्यादा एक्विजिशन जो खरीदारी है वो मोदी जी की सरकार में हो रही है। मोदी जी प्रैक्टिकल में करके दिखा रहे हैं, उन्होंने लगातार एमएसपी को भी बढ़ाया है और लगातार खरीदारी को भी बढ़ाया है, वो एक्शन में मतलब जमीन पे काम करके दिखा रहे हैं, इसीलिए लोग उनसे खुश हैं। और आज किसान ने इनके आंदोलन से किनारा कर लिया है, किसान समझ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, जो रोटियां हैं वो सेकने का काम कर रहे हैं, किसी को पंजाब में चुनाव लड़ना है तो कोई वेस्ट यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और कोई हरियाणा में अपनी राजनीति संभालने की कोशिश कर रहा है, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को ये साथ में लेके चल रहे हैं, जो आंदोलन जीवी है, जो हर एक आंदोलन में पाए जाते हैं अलग अलग रूप में, कभी वो स्टूडेंट का रूप बना लेते हैं, तो कभी वो किसान का रूप बना लेते हैं, तो कभी एक्टिविस्ट का रूप बना लेते हैं, तो कभी वो अपनी पार्टी को सामने ले आते हैं, और ऐसे लोगों को आप आगे लेके चलोगे तो आपकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाती है, और यही सब दिख रहा है। आप बातचीत करो, जो प्रॉब्लम है, जो आपके इश्यूज है उस पर सरकार काम करेगी, लेकिन आप तो जिद पकड़े बैठे हो। छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो सतीश नंबरदार जी का टेक लेंगे, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधर्म में। अब आज हम बात कर रहे हैं कि करनाल की किसान महापंचायत ने अब उग्र रूप ले लिया है और लघु सचिवालय का घेराव कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ व्याधि खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सतीश नंबरदार जी। सतीश नंबरदार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा कि जो तमाम अब आरोप लग रहे हैं कि आप गुरनाम सिंह चरूनी तो साफ साफ कह चुके हैं कि वो पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, तो अब मुद्दा तो आपका यही दिख रहा है कि किसान हित से ज्यादा अब आपका मुद्दा चुनाव हो गया है। सतीश नंबरदार जी, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है, क्योंकि माननीय चरूनी साहब ने पूरे विश्वास के साथ अब जो पिछली सरकारों से और इस सरकार से, उनका सिर्फ यही कहना है, अब हमारा मुद्दा सरकार से है ना कि बीजेपी से, लेकिन जो यह सरकार जो आगे आने वाली आएगी तो उसका क्या भरोसा है भाई, वो किसानों की नहीं सुनेगी, क्योंकि इस सरकार ने 7 साल के करीब हो चुके हैं और आज तक इन्होंने किसानों की सुध लेने का बात नहीं की, हमेशा इस तरह की बातें की है और भाई लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ बातें की है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का कार्य, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में 2.5 लाख लोग आज भी 2,000 रुपए की स्कीम की बाट जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय खेमचंद जी से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा, और वे हमेशा इसी बात पे दो राखे, इन्होंने इसी डिबेट में यही शब्द
चार बार इस्तेमाल करने का काम किया, ना कि कोई नई बात बताने का। आज 100 रुपए लीटर जो डीजल पेट्रोल बिक रहा है, और एक जो हर जरूरत की गरीब अमीर की सबकी जरूरत है, 400 रुपए का सिलेंडर आज 900 रुपए में बेचने का काम ये खुद ये सरकार करने का काम कर रही है। कि कहां गई वो उज्ज्वला योजना जो गरीब जनता की 100 रुपए का नाना देके उस पर 400 रुपए आप 400 रुपए का सिलेंडर आप 900 रुपए का देने का काम कर रहे हैं जी। ठीक है खेमचंद जी, उनके सवालों का जवाब दीजिएगा आप, वो जो पूछ रहे थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इस पूरे हुजूम में किसान है ही नहीं, सब राजनेता भरे हुए हैं। अभी 5 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई थी, तो उसमें आपकी पार्टी के सांसद वरुण गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने वीडियो ट्वीट करके कहा कि ये हमारे ही खून है, हमको इनसे बात करनी चाहिए जाकर। देखिए हमारी पार्टी हमेशा से कहती है जो आम किसान है उनसे बातचीत करना चाहिए, और इसीलिए पूरे देश में जाके हमारे सांसदों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने किसानों से बात करी, लगातार मीटिंग करी, और किसानों ने किसान के जो बिल हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग जिद पकड़ के अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग जगह भिन्न भिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन ही नहीं वो काम भी कर रहे हैं जो असामाजिक काम है। वो चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, सरकारी काफिलों को वो रोक रहे हैं, सरकारी हाईवे को रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा कर रहे हैं। और जो पत्रकार वहां पे कवरेज के लिए जाती हैं, महिला पत्रकार जो कवरेज के लिए जाती हैं, उनको धक्का मुक्की करके उड़दंगबाजी करके उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीजें दिखा रही है कि किसान तो ऐसा करता नहीं, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं। अभी ये कहते हैं कि मोदी जी ने किसानों के लिए नहीं किया। अरे 1.5 लाख करोड़ कभी आपने सुना कि जितना पैसा केंद्र से जा रहा है उतना 100% पैसा किसानों की जेब में, किसानों के अकाउंट में कभी पहुंचा? अनाप शनाप ये नंबर दे रहे हैं 2.5 लाख किसान मोदी जी के वहां पे जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे अभी भी पीएम किसान के लिए वेट कर रहे हैं। आप डेटा दीजिए, उनको दिलवाने का हम काम करेंगे। सरकार तो कह रही है आप अप्लाई करिए, आप लीज वाले आपको मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप कंप्लेंट करिए, आप पटवारी से बात करिए, आप एडीएम से बात करिए, अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप बताइए। आप अनाप शनाप झूठ बोलोगे कोई मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। 1.5 लाख करोड़ किसको गया? किसानों को गया है। वैसे ही सबसे ज्यादा जो फसल है लगातार हर साल मोदी जी खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है, नए से नया रिकॉर्ड बन रहा है, एमएसपी भी लगातार बढ़ रही है, पीएम किसान के माध्यम से जो सपोर्ट है वो तो जा ही रही है। उसके अलावा आप किसान क्रेडिट के माध्यम से देखिए किस तरीके से किसान को जो जरूरी पैसा है वो देने का काम किया गया है। किसान को हम लोगों ने बीमा दिया है ताकि किसान में कुछ भी किसान की जो फसल में कोई परेशानी आती है प्राकृतिक आपदा की वजह से या किसी और वजह से तो उनको पूरा कंपनसेशन मिल सके। हर तरीके की मदद किसान को दी जा रही है। डीएपी के प्राइस बढ़ते हैं तो सरकार उसका झूठ बोलोगे तो झूठ को तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। देखिए राशन दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है, किसको जा रही है? उसमें किसान भी, जो गांव का किसान है, जो गरीब है, मजदूर है, उन सबको बेनिफिट मिल रहा है। और जो एसी में यहाँ पे बॉर्डर पे सो रहे हैं, तंबुओं में भी एसी लगाए हुए हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आप उनको किसान मत बोलिए। किसान वो है जो गांव में काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। लेकिन एमएसपी के कानून में क्या दिक्कत है? एमएसपी के कानून की तो हर कोई मांग कर रहा है, वो भी मांग कर रहा है। कम से कम उसको भले ही एमएसपी का मतलब ना पता हो, लेकिन इतना तो जानता है कि जो वो उगा रहा है, जो उसकी फसल है, जो उसकी उपज है, उसका कम से कम एक न्यूनतम मूल्य तो हो। ऐसे लोगों को आप किसान कैसे कहोगे? ऐसे लोगों के नेतृत्व में आप काम करोगे तो आपकी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी जैसी मानसिकता इन लोगों की है, और इन लोगों की जो मानसिकता है उपद्रव फैलाने की। मदन जी क्या पूरे शब्दों से नवाजने का काम किया? आप अफगानिस्तान की बात करते हो, आप जम्मू कश्मीर को आजादी कराने की बात करते हो, जो यहाँ पे दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें जो आरोपी है आप उनको छुड़वाने की बात करते हो, उनके लिए पट्टियां लाते हो, उनके लिए जो लोग हैं डिमांड करते हैं, खालिस्तान के जो कुछ लोग जो जेल में बंद हैं या फिर जिनको भारत में बैन लगाया हुआ है उनके लिए आप तक चलाते हो, ऐसा काम करोगे तो आप अपने आप झूठे राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। इसलिए आप पूरे का पूरा देश
आपने क्या छोटा देश में हर चीज को बेचने का काम किया। आप हमेशा जो सरकार जो आज देश का मुद्रा भंडार आपको बता दूं, आज देश का मुद्रा भंडार रशिया जो एक कंट्री है शक्ति है उससे भी अधिक है। देश में आज जो देश का मुद्रा भंडार है वो विश्व में कितनी तेजी से बढ़ा है, किस शक्तिमान देश की तरह हमारे पास मुद्रा भंडार है आपको पता होना चाहिए। ये सब मोदी सरकार के अंदर हो रहा है तो पता होना चाहिए ना। अब 27% माइनस में जा रही थी, सिर्फ किसानों ने 4% जीडीपी को बचाने का काम किया, ये भी आपको पता होगा ना। आप किस तरह हर चीज पर टैक्स लेने का काम करते हैं। आप किसान के ठेकेदार नहीं है, आप किसान के ठेकेदार नहीं है क्योंकि आपने किसान का आचार विचार व्यवहार सब त्याग दिया है। आप किसान के ठेकेदार नहीं है। किसान का किसान कैसे किसान हो आप? आप कैसे किसान हो कि आप किसान होते हुए आप हाईवे को रोक के बैठे हो जहाँ से हजारों किसानों की रोजी रोटी चलती है, वो अपने साथ सब्जियां फल दिल्ली में जाते हैं, वो अपने साथ फल दिल्ली में जाते हैं। सरकार कर रही है किस तरह में 0% डिग्री में आपने किस तरह इनमें बारिश करने का काम किया, बोछारों का काम किया, किस तरह इन पर लफ चलाने का काम किया, किस तरह आपने पीपली कांड किया, किस तरह आपने करनाल कांड किया, किस तरह आप कितने की किसानों को मारने का काम करेंगे माननीय भैया। आप पत्थरबाजी करोगे, आप लठबाजी करोगे, सरकारी बिल्डिंग को आप घेरोगे, आप कपड़े फाड़ोगे, आप बहन बेटियां जो बंगाल से आती है उनके साथ वहां पे दुर्व्यवहार करते हो, उनके साथ वहां पे बलात्कार होता है, आप उसको छिपाते हो। ठीक है सतीश जी, तो हफ्ते भर तक वो इन्फॉर्मेशन छिपाए बैठे रहते हो, आप तो रिपोर्ट तक नहीं करते, आप तो उन लोगों को बचाने का काम करते हो। एक झज्जर का किसान मारा जाता है, बहादुरगढ़ का किसान मारा जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं बताते। वहाँ पे गैंगबाजी हो रही है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पे ऐसी गतिविधियां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। आप क्या करो, योगेंद्र यादव जैसा जो राजनीति करता है उस व्यक्ति को आप नेता मान के चल रहे हो, आप कैसे कैसे अपनी जो विश्वसनीयता है उसको आप एस्टेब्लिश करोगे? आप बताओ योगेंद्र यादव कहाँ के किसान है, कहाँ के किसान है, किसान ही करते हैं। ठीक है, कोई अंत नहीं है। जिस तरीके से आप दोनों लोग चाहे वो सरकार हो या किसान संगठन हो अपने अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, उससे लगता नहीं कि अभी कुछ फ्रूटफुल निकल पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, खेमचंद शर्मा और सतीश नर्मदा जी एनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर ये जंग जो है, जो अघोषित जंग एक तरीके से जो सिविल वॉर का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है, ये कहां जाकर थमेगी? किसान संगठनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक नया मोर्चा करनाल से भी शुरू हो सकता है, और राकेश टिकैत भी यही कहते हुए दिखाई दिए कि एक तंबू यहां भी गड़ सकता है। इस पर रहेगी एनबी की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।